हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। जहाँ से मैंने अपने ब्लॉग का एंड किया था, लास्ट वीडियो जहाँ से एंड गया था मेरा, वहीं से मैंने अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हमने रात को खा पी लिया था और सब्जी जो मैंने बनाई थी आप सभी ने के साथ मैंने रेसिपी शेयर भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जो मैंने साग भाजी बनाई थी चोले की। तो बस उसके बाद खाना पीना हमारा हो गया था। और उसके बाद फ्रेंड्स, खाना पीना खाने के बाद मैं बाहर अपने आंगन में 2 राउंड 3 राउंड थोड़ा सा टहल लेती हूँ। टहलने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में, और किचन में ये काम मैं प्रतिदिन रात को कर कर ही सोती हूँ। मेरी कुछ आदतें ऐसी हैं जो मतलब है ही है मेरे अंदर, जिसकी वजह से मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये आदत मेरे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा इससे 2 फ़ायदे हैं कि प्लस कि मेरा जो है ये आदत अच्छी है तो टाइम पर मेरा काम हो जाता है और टाइम की बचत होती है, प्लस में साफ़ और सुथरा घर किचन किसे पसंद नहीं है। तो इस वजह से मेरी ये आदत है कि मैं रात को सोने से पहले अपने पूरे किचन के बर्तन, जितने भी जूठे बर्तन होते हैं, वो सारे बर्तन धुलकर साफ़ सुथरे तरीके से, छोटे बर्तन यहाँ किचन काउंटर पर ही रख देती हूँ और बड़े बर्तन जहाँ रखने होते हैं वहाँ मैं सेट कर देती हूँ। तो जो किचन क्लीनिंग वाला काम है वो मैं रात को ही करके सोती हूँ। तो आज आप सभी के साथ मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपनी ने छोटे से नॉन मॉडलर घर और किचन को किस तरीके से रखती हूँ, कैसे मतलब मैं अपने काम करती हूँ, किस टाइप से करती हूँ कि ताकि मेरे घर और मेरा किचन दोनों एकदम व्यवस्थित और साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं रात के काम रात को निपटा ली। सुबह देखिए अभी लगभग बज रहे हैं, सुबह का 7 बज रहा होगा फ्रेंड्स, और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है लगभग 5:30-6 के आसपास में जाती है प्रतिदिन दिन की शुरुआत। मॉर्निंग का झाड़ू, मॉर्निंग का चाय पानी वो मेरा हो चुका है और मैं लग गई हूँ अभी किचन में फटाफट से खाना बनाने का। तो रात को किचन साफ सुथरा कर बर्तन धोकर सोने का यही फायदा कि आप उठते से ही आराम से अपने किचन में अपना काम शुरू कर सकते हो, अपने दिन की शुरुआत शुरू कर सकते हो। ये झंझट नहीं रहती कि धोना है, मांजना है, साफ करना है, तो इस चीज़ से बचते हो आप। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आकर यहाँ पर मैंने एक तरफ रख दी है दाल बनने के लिए, एक तरफ मैं आलू भुजिया बना रही हूँ। तो आलू भुजिया भी मैंने छोंक दिया, सिर्फ जीरे के साथ सिंपल छौंकती हूँ। और यहाँ पर बेदू उनको सुबह सुबह ही मैंगो खाना था, तो ये अभी हस्बैंड जी जो है वो नहा रहे हैं, तो उनको ड्यूटी का भी तैयार होना है और इधर मुझे खाना बनाना है। ये सुबह सुबह जिद लेकर बैठ गई फ्रेंड्स कि मैंगो को आपने ऐसे क्यों काटा, ऐसे क्यों किया। तो उसका जो ऊपर का होता है वो थोड़ा हटाना पड़ता है, नहीं तो खाते समय बच्चों को वो लग जाता है तो पकसा जाता है। हमारे यहाँ चोप बोलते हैं उसको, बाकी जगह क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो बस उसको मैंने बेदू को समझा दिया कि ज़रूरी होता है निकालना। ये देखिए मैडम आम फिनिश कर ला कर प्लेट रख भी दी। बेदू को मैंगो बहुत पसंद है, मैंगो जूस कह लो आप, मैंगो आइसक्रीम कह लो आप, नॉर्मली मैंगो कह लो, उसको बहुत पसंद है। तो वो सुबह की चाय बिस्किट उसका 1 घंटे पहले हो गया था, अब उसने मैंगो भी खा लिया और आज बन रहा है फ्रेंच फ्राई, आलू फ्राई मतलब उसकी भाषा में फ्रेंच फ्राई बोलती हूँ मैं, तो वो भी उसको बहुत पसंद है। पराठे के साथ वो खाती है बहुत शौक से। तो यहाँ पर मेरा दाल भी हो गया, सब्जी भी हो गया, आटा भी लग गया और मैं बना रही हूँ अभी फटाफट से रोटी, और रोटी बना लूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, रीज़न ये क्योंकि ब्लॉग आप कंटिन्यू शूट करते जाते हो तो काफ़ी बड़े बड़े वीडियो हो जाते हैं, फिर उनको 2-2, 3-3 दिन में डालते रहो तो टाइम हफ्ता ऐसे ही बीत जाता। तो मुझे आज मैंने ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं किया था किचन के बाद, क्योंकि मुझे आप सभी के साथ आज अब अपना नॉन मॉडलर मंदिर डेकोरेशन भी शेयर करना था। तो यहाँ पर अभी लगभग बज रहे हैं 3:30 और यहाँ बेदू कर रही हैं पढ़ाई, और हम लोग थोड़ा 1-1.5 घंटे की रेस्ट के बाद अभी उठे हैं हम। 12:30 के लगभग में 1 बजे इस तरीके से हम लोग सो जाते हैं माँ बेटी, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, शरीर को थोड़ा आराम भी ज़रूरी है क्योंकि सुबह से जब हम हाउस वाइफ उठते हैं तो कंटिन्यू काम करते ही रहते हैं, शरीर चलता ही रहता है, और खाना खाने के बाद एक अलग सी सुस्ती और वो लगता है कि भाई नहीं थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो मैं खाना पीना करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी मैं जो है कल के कपड़े हैं जो आज सूखे हैं, अभी बारिश में तो ऐसा ही होता है, कल के आज के कल ऐसे बारिश में कपड़े कंटिन्यू नहीं सूख पाते, तो ये 2 दिन के कपड़े हैं मैं एक ही साथ तय लगा देती हूँ, सूखे थे ये तो मैंने कहा चलो इनको मैं तय लगा के रख देती हूँ। तो ये भी छोटी छोटी आदतें हैं जिन आदतों को आप अपने अंदर फॉलो कर अपने नॉन मॉडलर घर को, आप अपने नॉन मॉडलर किचन को व्यवस्थित रख सकती हैं, साफ़ सुथरा सुंदर रख सकती हैं। आप देखते हो मेरा किचन भी बहुत सिंपल सोवर है एकदम, और मेरा रूम भी वैसा ही है।
है, ये मेरा बेडरूम है, एकदम सिंपल सा है, लेकिन हाँ मैं इन अपनी आदतों की वजह से अपने रूम बेडरूम को एकदम साफ़ सुथरा और सुंदर रखती हूँ। कपड़ों का फैलाड़ा भी बहुत गंदा लगता है घर में, तो कपड़े जब भी सूखते हैं तो मैं उनका तुरंत तय लगा देती हूँ, बेदू का अलग, अपना अलग, हस्बैंड का अलग, और अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो कपड़ों का काम भी यहाँ मैंने निपटा दिया। प्यास लग गई थी फ्रेंड्स तो पी लिया पानी। अब 1-2 घंटे या मान लो 3 घंटे हम लोग बेड पर ही रहते हैं, तो शाम होते होते बेड भी मैसी हो जाता है, तो मैं जब बेड पे से हम लोग जब हटते हैं तो मैं साथ के साथ बेड भी टाइट कर देती हूँ। देख सकते हो आप, बेड मैंने अच्छे से टाइट कर दिया। मेरे घर में बेड सुबह से लेकर शाम तक 3 बार टाइट होता है, एक बार सुबह रे सफाई के टाइम कर लेती हूँ, फिर दोपहर भर ठीक रहता है, फिर 3-1 बजे के लगभग में, और फिर रात को सोने से पहले, तो 3 बार मेरे घर में बिस्तर सेट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके हम लोग बेड बिस्तरे पर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बिस्तर के साथ से बड़ी सी विंडो है तो हवा क्रॉस होती रहती है और अच्छा लगता है, बाहर का मौसम दिखता है। इसके बाद में आ गई थी फ्रेंड्स कपड़े धोने, तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, 2-4 कपड़े थे, मैंने कहा चलो इनको साथ के साथ धो लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होती है। तो मैंने यहाँ पर कपड़े धो लिए, और आजकल बारिश है तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि कपड़े रखूँ, 2-4 ही होते हैं, मैं फटाक से धोकर और अच्छे से निचोड़ कर डाल आती हूँ। मैं पहले भी बताई आप सभी को कि अभी मेरी जो है मशीन सेट नहीं हुई है, तो मुझे बहुत टेंशन कपड़ों की लगी ही रहती है, तो मैं ये अपनी टेंशन भी साथ के साथ रोज़ की रोज़ निपटाते चलती हूँ। मैं डेली डेली अपना जितने भी होते हैं थोड़े थोड़े गुरुवार को छोड़कर अपने धोते चलती हूँ। तो थोड़े ही थे आज कपड़े, देखिए मैंने अच्छे से सारे कपड़े धो लिए, धोकर अच्छे से मैं रख ली, और उसके बाद अभी मैं चलूँगी छत पे जाकर इनको सुखा कर आऊँगी, अच्छे से निचोड़ कर और झाड़ कर सुखा दूँ, तो बिना मशीन में ड्राई के भी अभी कपड़े सूख जाते हैं। तो मौसम ऐसे ही हल्का ही था, मैंने कहा चलो थोड़ी हवा लग जाएगी फिर मैं अपने रेलिंग में डाल दूँगी तो सूख जाएंगे। और यहाँ पर अभी मैं पूरा बाथरूम देखिए साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी गिरा हुआ छोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, और प्लस में बच्चा घर में छोटा हो तो इस तरीके से बाथरूम में पानी छोड़ना भी नहीं चाहिए, स्लिप होकर गिरने का बहुत डर रहता है। तो मैं साथ के साथ अपने किचन बोल रही हूँ सॉरी बाथरूम का पानी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं चली गई छत पर, कपड़े सुखा कर आ गई, आने के बाद मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ देख सकते हो आप, और मैं आपको अपने आगे साइड के जो सारे मेरे बाल गिर गए हैं ना वो बाल दिखा रही थी, दोनों साइड के आगे के साइड के बाल मेरे गिरे हुए हैं, तो देखिए इस तरफ भी दिख रहा है थोड़ा सा खाली खाली, और उस तरफ भी दिख रहा है, अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। मैं एक दिन और भी बताई थी आप सभी को, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बाल बहुत गिर रहे हैं, दोनों साइड टकला टकला सा लग रहा है देखिए खाली खाली। तो चलिए कोई नहीं, और ये उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना मंदिर सेट करने, आज करूं कल करूं कल करूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज मैं कर ही लेती हूं, क्योंकि सावन के 1-2 दिन स्टार्ट होने से पहले का ये वीडियो है, मैंने कहा नहीं 1-2 दिन के बाद सावन स्टार्ट हो जाएगा और भगवान इस तरीके से टेबल पर रखे हुए हैं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। सावन का महापर्व जो है मेरे भोलेनाथ को शंकर जी को समर्पण है, और शिव जी ऐसे ही रखे रहेंगे तो मुझे अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा, आज मैं इसको सेट कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया था मोबाइल का कवर, जिसमें मोबाइल आता ना वो कवर, और एक ग्रीन मैंने ब्लाउज का पीस ले लिया है, बस उतने से ही मैं अपना मंदिर को डेकोरेट करूँगी और टेबल पर ही करूँगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते, ज़रूरी नहीं कि घर में मंदिर ही ज़रूरी हो, या आपके घर में अलमारी जरूरी हो, रैक जरूरी हो, तो क्योंकि ये जो रेंटेड हाउस होते हैं इनमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, बहुत कम ऐसा होता है कि जिन रेंटेड हाउस में आपको अलमारी की सुविधा दी जाए, या आपको जो है अच्छे से मतलब किचन में भी चीज़ें दी जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ नहीं है, मेरे तो बिल्कुल सिंपल रूम है, और मंदिर कहाँ रखूँ ये मेरे को बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था। तो फाइनली मैं जब हम आए थे तभी मैंने इस टेबल पर ही अपने भगवान रख दिए थे, और ये जो दीवार का कोना है ये मेरे दोनों रूम के बीचों बीच में है, तो फिर मेरे को यही जगह बेस्ट लगी कि नहीं भगवान मेरे पूरे घर के बीचों बीच में बैठेंगे तो ये सबसे बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि कोई भी कोना समझ में आ ही नहीं रहा था कहाँ लगाऊँ कहाँ लगाऊँ। भगवान जैसे मंदिर हो गया और एक किचन की दिशा हो गई, ये दो चीज़ का जो दिशा होती है ये बहुत महत्व रखती है हमारे लाइफ में। तो मंदिर की जो दिशा वो पूरब की या पश्चिम की ही होना चाहिए, पूरब पश्चिम की का मुख हो मंदिर का भगवान का, तो वही बेस्ट माना जाता है पूजा के लिए। तो ये जो मुख आप देख रहे हैं ये हमारा पूरब की ओर, जिस तरीके से मैंने टेबल को सेट किया हुआ है और मैं भगवान अपना रख रही हूँ, तो ये पूरब की दिशा को मेरे भगवान का मुख जाएगा। तो ये बेस्ट कॉर्नर लगा, बेस्ट जगह है घर के बीचों बीच, और पूरब की साइड में मुँह रहेगा भगवान का, देवता का, तो ये बेस्ट लगा मुझे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप टेबल पे के सारे भगवान हटाकर, और मैंने अच्छे से कपड़ा मारकर इसको साफ़ कर दिया था, और साफ़ करने के बाद इस पर मैंने जो है
एक ग्रीन सा और ग्रीन और क्या बोलेंगे इसको, क्रीम गोल्डन कलर है ना, गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में ये ब्लाउज़ का पीस है। बहुत ही प्यारा पीस है ये, और इसकी साड़ी जो है वो बैंगनी कलर में है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो उसके साथ मुझे ब्लाउज मिल गया था तो मैंने ये सिलवाया नहीं थे, कपड़ा ऐसे ही मेरे पास पड़ा था। तो इसका यूज़ देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गया। और मंदिर ग्रीन ग्रीन सजकर तैयार है सावन सोमवार के लिए, देख सकते हो। सावन में हरियाली का, हरे का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पर मेरे को ये कपड़ा बेस्ट लगा अपने मंदिर की डेकोरेशन के लिए। देखिए डेली की पूजा की चीज़ें जो डेली में लगती ही लगती है, जैसे धूप बत्ती हो गई, आपका मिश्री हो गया भोग के लिए, सिंदूर हो गया, रोली टीका हो गया, आपका कलेवा हो गया, और रुई का डिब्बा हो गया, बत्ती का डिब्बा हो गया, वो सारा मैंने डेली का सामान एक साथ रख दिया। बाकी नीचे भी मैंने काना के वस्त्र और जो पुस्तकें हैं मेरी पूजा पाठ की वो रख दी, पेपर साफ़ कर दिया, मतलब आज पूरा टेबल मैंने साफ़ कर दिया। नीचे भी पूजा पाठ का सामान है वो भी सब साफ़ सुथरा कर सेट कर दिया। मंदिर कुछ इस तरीके से सजा दिया है फ्रेंड्स सावन के सोमवार के लिए। और ये देखिए मैं दिशा ही दिखा रही थी आप सभी को कि ये सारी दिशाएं मेरे समझ से बाहर है, और इधर मंदिर रखना बिल्कुल सही नहीं है इस दिशा में भी, क्योंकि यहाँ पर हमारा एकदम साथ में ही टॉयलेट है, तो ये भी सही नहीं है। तो बीचों बीच सबसे बेस्ट है। तो चलिए मिलती हूँ इस तरीके के अच्छे से ब्लॉग के साथ।